वेलकम माय कुवैत ब्लॉग। तो यार गाइस, मैं और कुमार हम दोनों गए थे उधर एक मार्केट में, तो वहाँ वीडियो कर नहीं पाया, इसीलिए रास्ते में सोचा वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ का रोड कैसा है और यहाँ का खूबसूरत का नज़ारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और कुमार बस कुछ बस सही है, अभी देखिए रोड, बैक कैमरा चालू कर दे, इसको पता नहीं बैक कैमरा क्यों चालू करना है। इसे होगा आप पता ना, इसमें नहीं कहता मुझे पर। तो देखिए अब दोस्तों, यहाँ का रोड का नजारा देखिए, और याद देखिए वहाँ पे देखिए। हाँ, अभी कुवैत में इलेक्शन चल रहा है, इसीलिए इलेक्शन कैंप जो होता है ना, इंडिया में जैसे इलेक्शन कैंप होता है वैसे कैंप बना के ये लोग रखता है। अभी इलेक्शन चल रहा है, और तो यहाँ देखिए यहाँ का जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क देखिए, हम लोग का उधर बड़ा बड़ा खंबा रहता है, छोटा छोटा बिजली का जैसे खंबा रहता है उसमें नेटवर्क लगा के रखता है। बड़ा खंबा भी होता है लेकिन इतना ऊंचा नहीं होता। ये सामने देखिए एक खंबा है लेकिन इतना ऊंचा नहीं है। ये सामने पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप का नजारा बिल्कुल अलग है, इंडिया का जैसा पेट्रोल पंप नहीं है यहाँ का। और हम लोग अभी गुजर रहे हैं ब्रिज के ऊपर से, और ये देखिए ब्रिज जो है ना बिल्कुल अलग ब्रिज है, और नीचे समुंदर है। एकदम मस्त रोड है, गाड़ी जो है ना 120 में अगर जाएगा पता ही नहीं चलेगा, गाड़ी 120 में है या 140 में है पता ही नहीं चलता। यहाँ सामने पुलिस की गाड़ी जा रहा है, पुलिस का गाड़ी भी दिखा रहे, यहाँ देखे पुलिस का गाड़ी कैसे होता है। यहाँ सामने भी पुलिस की गाड़ी है, लगता है मेरे को पुलिस ने किसी को पकड़ लिया है। हाँ, दूसरा पुलिस भी गया है। चलिए पुलिस का गाड़ी दिखा दे, वो बाजू में जाके दिखा, वो बाजू में कहा, वो बाजू में करके जाके दिखा, बाजू में कहा। हाँ हाँ, देख सकते हो आपका, आप लोग देख सकते हो इधर किसी का गाड़ी खराब हो गया था, इसीलिए पुलिस वाला आया। रोड का बीच में गाड़ी खराब हो गया, और दूसरा जो गाड़ी खींचने वाला गाड़ी है इसको भी बुलाया है, और सबको मतलब वो गाड़ी लेके जा रहा है अभी। और यहाँ देख सकते हो बड़ा बड़ा टैंकर भी है, इसमें टैंकर है क्या कुछ, और पता नहीं यार किस किस चीज का गाड़ी रहता है इधर। आज जुमा है यानी फ्राइडे है, आज रोड एकदम खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल खाली है रोड, नहीं तो ये रोड में चलने का गाड़ी चला नहीं पाता, इतना भीड़ रहता है, इतना क्राउड रहता है, ट्रैफिक बहुत रहता है ये रोड में। और तुमने क्या बोला था इंडिया में क्या मतलब हाँ, जो गाड़ी इंडिया में चलाता है हम लोग राइट साइड में, या लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाना पड़ता है, आप लोग कुछ पता होगा। गल्फ कंट्री में लेफ्ट में चलाता है, गल्फ नहीं है बस दूसरे कंट्री में ऐसा ही है, लेफ्ट में चलाता है गाड़ी। तो फिलहाल हम लोग कुवैत में हैं, लेकिन कुछ देर अगर गाड़ी चलाऊंगा 8-10 घंटा गाड़ी चला लूंगा ना, तो हम लोग सोदिया में जा सकता हूँ। लेकिन सोदिया जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, हम लोग के पास पासपोर्ट है, लेकिन अगर जाने का है तो जा सकता है, लेकिन हम लोग जाऊंगा नहीं। यार कुवैत में जो है ना बहुत सस्ता है, हर चीज सस्ता है सोदिया में। यहाँ देखे रेगिस्तान, यार बहुत बढ़िया है, रेगिस्तान देखिए बहुत अच्छा रेगिस्तान है। तो मैं बोल रहा था हम लोग अगर सऊदीया में जा सकता है, लेकिन सऊदीया में नहीं जाऊंगा, सऊदीया में बहुत महंगा है पेट्रोल जो है ना, 1 लीटर 20 रियाल में मिलता है, और यहाँ 1 लीटर 100 फिल्स भी नहीं मिले, 100 फिल्स भी नहीं चाहिए तुमको, 80 फिल्स में मिल जाता है पेट्रोल। रोड की साइड में जाएंगे क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ। और देखिए घर जो है ना यहाँ पे बिल्कुल अलग मतलब बना हुआ रहता है यार, इंडिया का जैसा नहीं है, कलर ब्लू करो रेड करो
ये लो करो अपनी मन चाहे पसंद में कलर करके घर जो बना घर है ना वो बनाता है, लेकिन वो आप यहाँ पे ना एकदम अलग जैसे घर रहता है। देखिए घर जो एकदम अलग ही है, क्या बताओ, आप देख सकते हो आपकी आंखों का सामने। और यहाँ भाई अगर धूप की बात की जाए, धूप इतना ज्यादा है, लोग जो है यहाँ का जो लोकल जो कुवैती लोग होता है ना, ये लोग देश छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। ये लोग चार पांच महीना कुवैत में रहते ही नहीं, ये लोग अमेरिका, लंदन, किधर किधर जिधर जिधर मौसम ठंड रहता है ना उधर ही चला जाता है। और रहते हैं कौन, हम जैसे काम करने वाले लोग है ना वही लोग रहते हैं। पचास साठ डिग्री गर्म पहुंच जाता है। आप लोगों को मैंने देखा है बहुत कुछ, यह बहुत सस्ता है कुवैत में जो है ना, बहुत सस्ता है। जैसे कि दिनार बहुत महंगा है, वैसे सामान बहुत सस्ता है। यहाँ कोई टैक्स नहीं, टैक्स मैक्स कुछ नहीं चाहिए, टैक्स अभी तक लगाया नहीं सरकार ने, लेकिन दुबई में टैक्स लग गया है, सऊदीया में टैक्स लग गया है, इंडिया में तो आपको पता है टैक्स कितना कितना हर चीज में टैक्स लगाता है, लेकिन यहाँ टैक्स नहीं है। यहाँ जो है ना आपको भूखा रहना, मैं तो कहता हूँ कोई अगर भूखा रह गया है ना यहाँ तो उसकी वजह से भूखा रहेगा, अगर चलो मैं नहीं खाऊंगा आज, लेकिन यहाँ इतना सस्ता है सामान, इतना सस्ता है। एक सौ फिल्स में आपको एक सैंडविच मिल जाएगा, सौ फिल्स यार रोड पे अगर आपको तो बंदा चल जाएगा ना तो सौ फिल्स उधर मिल जाएगा, एक किलोमीटर चलेगा ना तो वहाँ 100-200 फिल्स मिल जाएगा, रोड पे पड़ा हुआ मिल जाता है 100 फिल्स। 100 फिल्स इतना बड़ा नहीं है यहाँ के लिए। 100 फिल्स मतलब इंडिया का सेम जैसे हम लोग 100 पैसा कहते हैं, यहाँ पे 100 फिल्स है। इंडिया में 100 पैसा कहते हैं ना, यहाँ 100 फिल्स है, ऐसा ही है 100 पैसा है। अगर गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और अच्छे से कमेंट करना, ताकि हम लोगों को दूसरा वीडियो बनाने में मजा आ जाए। और कुमार कुछ बोलेगा, कुमार ये जो कुमार है, विश्वजीत कुमार है, ये नया आया है, एक महीना हो रहा है, लेकिन इसको भी किसी ने फंसा दिया यार। उन लोग का वीडियो है मेरे पास, वो वीडियो मैं अलग से पोस्ट करूँगा। इन लोग का वीडियो है मेरे पास, तो 120 दिनार बोल के लेके आया था किसी ने इसको, अभी आज बुड्ढा सैलरी देने लगा तो 90 दिनार दे रहा है इसको। ए वो बोल रहा है काम नहीं करूंगा मैं, चला जाऊंगा इंडिया में। बुड्ढा बोलता है जा, अगर तेरे को जाना है तो जा, लेकिन तू इतना पैसा खर्चा करके आया है वो भी देख, वो भी सोच। बुड्ढा भी अच्छा है लेकिन वो थोड़ा बुड्ढा आदमी है, दो चार बात सुना देता है। ये सब होता है भाई, परदेश में सब होता है। अगर आपके घर में किसी को काम पे रखोगी तो आप उसको फ्री में सैलरी दोगे नहीं, काम कराओगे उसके बाद पैसा दोगे, है कि नहीं? तो ऐसा है, परदेश जो आता है सोचता है भाई उधर जाऊंगा 100-100 के पैसा कमा लूंगा, ऐसा नहीं होता है। तुमको सोने के लिए इधर लेके आता है ये लोग, काम कराने के लेके आता है। तो यार कुमार कुछ बोल, तेरा क्या प्रॉब्लम हुआ है? प्रॉब्लम यही हुआ है, 120 बोल के भेजा था, इधर 90 दे रहे और टैंकर चलाने के लिए बोल रहे, हम छोटी गाड़ी में आए थे, तभी तो सोल्यूशन हो गया है उसका, देखते हैं अभी क्या होता है। अभी बात हुआ है कपिल से, बात हुआ है, देखते हैं फिर क्या करता है, भेजता है कि रखता है। इसे भेजेगा नहीं, मेरे को बोला था इसको एयरपोर्ट पे छोड़ के आ जा, मेरे को 3-4 बार बोलता है इसको एयरपोर्ट पे छोड़ के आ जा, लेकिन बोलता है मेरा जितना खसरा होगा हो गया, होने दे खसरा, लेकिन इसको एयरपोर्ट पे छोड़ गया। ऐसे छोड़ता नहीं है, ऐसे किसी को अगर कोई आदमी इधर काम के लिए आता है ना तो वो इसको जल्दी नहीं छोड़ते ये लोग, क्योंकि ये लोग भी सोचता है उसका गरीब आदमी है, इधर काम करने के लिए आया, पैसा कमाने के लिए आया। वो ऐसे मतलब धमका रहा था, वो ये बोलेगा ठीक है, डराता है ये लोग बस, छोड़ेगा नहीं। इसलिए मैं पहले सऊदी में रह चुका हूँ, 3-4 साल उधर रह चुका हूँ, उसको पुराना आदमी चाहिए था, पुराना आदमी हम है, इसलिए वो भेजेगा नहीं, बस ऐसे धमका रहा है, बस यही बात है और कोई दिक्कत नहीं है।
फिर गाइस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, और अपने दोस्तों का साथ शेयर करके दिखा देना कुवैत का जो नज़ारा मैंने देखा है आपको, वो सब दिखा देना। चलो बाय बाय, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।